बूंद बूंद पानी को तरसेगा पाकिस्तान। बंजर हो जाएगी पाकिस्तान की जमीन। रद्द होगा सिंधु जल समझौता। जी हां, परमाणु बम का धौंस दिखाने वाले पाकिस्तान की हिकड़ी जल्द ही निकलने वाली है। पूरी दुनिया में आतंकवाद के सप्लायर पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। भारत न केवल कूटनीतिक बल्कि सैन्य और आर्थिक मोर्चे पर भी पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर करने की रणनीति पर काम कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने पाकिस्तान के साथ 56 साल पुराने सिंधु जल समझौते पर दोबारा विचार करने का संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि कोई भी समझौता आपसी विश्वास पर ही आधारित होता है। There are differences between India and Pakistan on the implementation of the Indus Water Treaty. Eventually, any cooperative arrangement requires goodwill and mutual trust on both sides. Such a treaty to work, it is important that there must be mutual trust and mutual cooperation between both the sides. It cannot be a one-sided. जम्मू कश्मीर में उरी में आर्मी बेस पर आतंकी हमले के बाद भारत हर उस उपाय पर विचार कर रहा है जिससे पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाया जा सके। तमाम विशेषज्ञों ने भी भारत को पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता खत्म करने का सुझाव दिया है। रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी ने कहा है, पाकिस्तान को दबाव में लाने के लिए भारत के पास कहीं ज्यादा आर्थिक और कूटनीतिक संसाधन मौजूद हैं। भारत 1960 की सिंधु जल संधि से हाथ खींचकर पाकिस्तान को सबक सिखा सकता है। सिंधु जल संधि दुनिया में सबसे एक तरफा और अनुचित जल संधि है। 56 साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता किया था। इस संधि के जरिए जम्मू कश्मीर की प्रमुख नदियों चिनाब, झेलम, सिंधु, सतलज, राब और ब्यास का पानी पाकिस्तान को दिया जाता है। भारत इन नदियों का मात्र 19.48% पानी ही इस्तेमाल कर पाता है। सिंधु जल संधि को दुनिया की सबसे उदार जल संधि भी कहा जाता है। सिंधु नदी को पाकिस्तान की जीवन रेखा कहा जाता है। भारत की तरफ से दिए जाने वाले पानी से पाकिस्तान के एक बड़े इलाके की भूख और प्यास मिटती है। ऐसे में अगर भारत पाकिस्तान के साथ इस संधि को तोड़ता है तो पाकिस्तान घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।